हम इस महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय प्रतियोगिता में भाषण देने का पहला पुरस्कार मिला था, जो साइंस कॉलेज के किसी विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, क्योंकि बेहतर विद्यार्थी पढ़ के विवेक खांड या अमिताभ के बनने वाले थे। बुद्ध जैसे लोग भाषण देकर कनक तिवारी बनकर रह गए। लेकिन उस समय के मेरे पिता, हम सब में बहुतों के पिता, उमादास मुखर्जी हमारे प्राचार्य थे, उनकी धौल मेरे पीठ पर थी, उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर था और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। इस प्रतियोगिता में जिन तीन लोगों ने मुझे प्रथम पुरस्कार दिया था, मुख्यमंत्री जी, एक थे छत्तीसगढ़ के गौरव आईसीएस रामप्रसन्न नायक, दूसरे थे हिंदी के महान विद्वान लेखक प्राचार्य विनय मोहन शर्मा, और तीसरे थे उस समय के संस्कृत कॉलेज के अध्यापक रजनीश जैन, जो बाद में ओशो हो गए थे। उन्होंने मुझे भाषण देने की कला सिखाई। थोड़े दिन के बाद इसी महाविद्यालय में ललित मोहन श्रीवास्तव जी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य समिति बनी, उसका मैं पहले साल का विद्यार्थी था। प्रिंसिपल ने कुछ 100 रुपये हमें दिए थे साल भर के लिए, 75 रुपये हमने एक कार्यक्रम में खर्च कर दिए, उस कार्यक्रम में 50 रुपये एक लेखक को दिए थे। हमें समझ में नहीं आया कि उस लेखक को उस समय 50 रुपये क्यों दिए गए। वो लेखक बाद में सिद्ध हुआ कि कालजयी गजानन माधव मुक्तिबोध है, जिनके कारण भाषा की संस्कृति सीखने की कोशिश की, और बाद में दिग्विजय महाविद्यालय में 6 बरस बाद में उनका सहकर्मी बना, उनका आशीर्वाद मुझे मिला हुआ। और हॉस्टल का प्रोजेक्ट होने के कारण मुझे शारदा चंद्र तिवारी ने उस समय का स्वागत समिति का एक हॉस्टल का सचिव बना दिया। पड़ोस के वार्डन के मकान में भारत के नेता ठहरे थे, जो बिना विभाग के मंत्री थे, वहां से भी इस्तीफा देने चले थे। उन्होंने मुझे खादी पहनने के लिए पहली बार प्रेरणा दी और इस शर्त पर ऑटोग्राफ दिया कि मैं खादी पहन कर आऊं। एक मित्र से उधार दिया, खादी के कपड़े खरीदे, पहन कर आया, उनसे 1 घंटा बातचीत की। उस महान आदमी का नाम था लाल बहादुर शास्त्री। साल भर बाद का इसी महाविद्यालय का यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया। इस कॉलेज में ऐसा कोई पद नहीं था जो इस गरीब को न मिला हो। बहुत खराब विद्यार्थी था गणित का, फिर भी गणित समिति का अध्यक्ष था। अंग्रेजी का अध्यापक था लेकिन हिंदी समिति का अध्यक्ष था, अंग्रेजी समिति का भी अध्यक्ष था। और यूनियन का अध्यक्ष बनने के समय उस समय के शिक्षा मंत्री शंकरदयाल शर्मा को अपने एक गुरुजी की नाराजगी के कारण 1 घंटे तक हमने मंच में नहीं आने दिया। जब गुरु के चरणों में नाक रगड़ के हमने उनको खुश किया, तो शिक्षा मंत्री वहां आ पाए। मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन की परम आदरणीय